ओम शांति। मुरली तारीख 11 जुलाई 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारा तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरी पॉइंट, प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरणी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ काटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।